हाय गाइस, वेलकम टू क्रेजी क्लाउंस। सो जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था अपने व्यूवर्स को कि हम इस क्लाउड सीरीज में आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, अगर आपने लास्ट वीडियोस देखी हो हमारी तीन वीडियोस, तो हमने लास्ट जो बोला था कि हम लोग बात करेंगे एज़ोर की सर्विसेज के बारे में, IaaS, PaaS एंड SaaS सर्विसेज के बारे में। हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि IaaS, PaaS, SaaS क्या होते हैं। अभी हम एक एक करके हर वीडियो सीरीज में बात करेंगे स्पेसिफिक इन टर्म्स के बारे में। IaaS क्या होता है, थोड़ा हमने ओवरव्यू दिया था लास्ट, हम बात करेंगे थोड़ा डिटेल में IaaS क्यों होता है और क्या होता है, क्यों होता है और कौन से सर्विसेज IaaS में आते हैं। तो आज का जो वीडियो होने जा रहा है वो हमारा टारगेट करेगा सारी IaaS के बारे में जो इन्फॉर्मेशन हम अपने व्यूवर्स के लिए लेके आए हैं। तो ये काफ़ी जो है आपके इंडस्ट्री एक्सपीरियंस के ऊपर भी काफ़ी चीज़ें बेस्ड होंगी, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपका वो हम देखेंगे कि काफ़ी साल से क्लाउड में काम कर रहे हैं ये हमारे क्लाउड, तो इनका एक्सपीरियंस भी आएगा, साथ साथ में जो भी थ्योरेटिकल टर्म्स यूज होते हैं वो सब बारे में थोड़ा टच करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डिले। नॉनसेंस। यस, ओके। तो जैसे हमने लास्ट वीडियो में बात किया था कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस क्या होता है, कि आपको क्लाउड मतलब एक क्लाउड प्रोवाइडर के पास आप जब मशीन्स मांगते हो, उनसे बोलते हो कि हमको मशीन्स दीजिए पे फॉर श्योर, पे करके, पे तो करना पड़ता है उसके लिए। आप मशीन्स मांगते हो, कंप्यूट मांगते हो, उसमें स्टोरेज मांगते हो, नेटवर्क्स मांगते हो, तो वो चीज़ें आपको जब क्लाउड से आप मांगते हो ना, तो मोस्टली वो सब आते हैं IaaS में, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। अच्छा, दिस इज इन शॉर्ट। लेकिन सिर्फ इससे बात नहीं बनेगी, लोग ये भी सोचेंगे कि IaaS चाहिए क्यों। हमने लास्ट में थोड़ा सा बताया था, थोड़ा सा हिंट दिया था, बट अभी हम सिनारियोज बताएंगे कि किन सिनारियोज में IaaS यूज़ होता है, फिर हम आएंगे सर्विसेज के ऊपर। ठीक है, मे बी एक दो सर्विस हम पहले बताएंगे बीच में जो कि बहुत कॉमन चीज़ है, बहुत कॉमन चीज़ है वो बताएंगे, और फिर बताएंगे कि हाउ वो कैसे हेल्प करती है डिफरेंट सिनारियोज में, कैसे वो हैंडी होता है डिफरेंट सिनारियोज में। ओके, तो जैसा कि मुझे याद आ रहा है, हमारे अगर आप लोगों ने हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी जहाँ पे हमने थोड़ा सा डिस्कशन किया है कि IaaS की क्या कैटेगरी में आती है, क्या PaaS की क्या कैटेगरी होती है, SaaS की क्या कैटेगरी होती है, तो मोस्टली IaaS में क्या होता है कि आपको स्टोरेज, कंप्यूट है ना, और सिक्योरिटी, नेटवर्किंग है ना, ये नेटवर्किंग बेसिकली, तो ये तीन चीज़ें बेसिकली, इन तीन चीज़ों के बेसिस पे ग्रुप की जाती हैं सर्विसेज को या ऑफरिंग्स को Azure में, है ना। Azure में क्या, किसी भी क्लाउड में, वो Azure हो, AWS हो या Google हो। यस, तो चलिए आज जानते हैं। तो हमने पिछले वीडियो में ये भी बात किया था वीडियो में कि हम लोग पहले के ज़माने में इन हाउस होते थे मशीन्स, तो उसका कॉस्ट का हमने बात किया था, कैसे आज हमने सर्वर रिसोर्स खरीद लिए हैं और खरीद लिए हैं तो कल जब ज़्यादा चाहिए तो क्या करेंगे पुराने का, करेक्ट है, तो चेंज करना पड़ेगा अगर हमारे को और चाहिए तो, जो चेंज करेंगे पिछले क्या होगा, लॉट ऑफ कॉस्ट वेस्टेज है ना। तो IaaS हमारे IaaS हमारा कॉस्ट बहुत अच्छे से मैनेज करता है, और किस सिनेरियोज में IaaS यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल आपका कुछ एप्लीकेशंस हैं जो आपके इन हाउस सर्वर पे चलती है, तो आप क्या कर सकते हो, IaaS इतना हैंडी है, आप सीधा स्ट्रेट अवे यू कैन डू लिफ्ट एंड शिफ्ट माइग्रेशन। ओके, तो लिफ्ट एंड शिफ्ट में क्या है, यू लिफ्टेड योर एप्लीकेशन फ्रॉम ऑन प्रमाइज मशीन सर्वर्स and then you shifted it to cloud. आप क्या करोगे, आप exactly जैसा आपका ऑन प्रमाइज का कॉन्फिग्रेशन है, आप सेम कॉन्फिग्रेशन क्लाउड से ले सकते हो। ओके, आप क्लाउड से लेने के बाद पूरा एप्लीकेशन ऐसे का ऐसे ही उठा के डाल सकते हो, सेम कॉन्फिग्रेशन ले सकते हो, मीन्स फ्रॉम द कंप्यूट, स्टोरेज, नेटवर्किंग परस्पेक्टिव, प्लस आप सिमिलर रूल्स वहाँ लगा सकते हो, सिमिलर फायरवॉल वहाँ लगा सकते हो, एवरीथिंग आप सेम कर सकते हो, और आपका जो एप्लीकेशन है वो आपके इन हाउस सर्वर से उठ के वहाँ चला जाएगा। जब आपको उसके लिए मोर कंप्यूट पावर चाहिए, मोर स्टोरेज चाहिए, या बेटर नेटवर्किंग चाहिए, बेटर सिक्योरिटी चाहिए अगर आपको, तो आप वो सब अब आप क्लाउड पे कर सकते हो। ओके, क्योंकि एक बार आपने मूव कर दिया तो आपके पास यहाँ पे कुछ बचा नहीं, तो अब आप फ्री हो, जो ऑन प्रमाइज मशीन्स हैं तो वो उससे आप फ्री हो, छोड़ दिया आपने, जैसे ही आपको अब क्लाउड पे ज़्यादा पावर चाहिए आपकी एप्लीकेशन के लिए, आप रिक्वेस्ट करो क्लाउड से, एजर से फॉर एग्जाम्पल, तो आप Azure से रिक्वेस्ट करते हो, तो क्या वहाँ पे आप उसका एक पोर्टल है, Azure का पोर्टल होता है, वहाँ पे जाके आप न्यू मशीन ले सकते हो, पावर बढ़ा सकते हो, और विद इन नो टाइम, विद वेरी मिनिमम डाउन टाइम आपको सब कुछ मिल जाता है।
ये बेस्ट पार्ट है। तो अच्छा, जब ये एक क्वेश्चन है मेरा यहाँ पे कि जब आप ऑन प्रेमिस में जो आपका चल रहा होता है कॉन्फ़िगरेशन या एप्लीकेशंस, उनको जब आप माइग्रेट करते हैं क्लाउड पे, तो कोई कनेक्टर्स यूज होते होंगे या कैसे, मतलब कनेक्ट करते हैं आप अपने लोकल फाइल सिस्टम से, है ना, ऑन प्रेमिसेस सर्वर से क्लाउड में? हाँ, सी इन ज़्यादातर सिनेरियोज में क्या है, आपका जो कोड है ना वो किसी न किसी रेपो में होता है, रिपोजिटरी में होता है, कोड रिपोजिटरी में पड़ा होता है। और नहीं भी होता है, अगर आप बहुत पुराने ज़माने की बात करें तो वहाँ पे क्या है, कोड के पैकेजेस बंडल होके जाते थे, तो जब बंडल होके आप शिप करते थे तो वो चीज़ अभी भी हो सकती है। आपको जब आप एजर पे मशीन बनाते हो, फॉर एग्जांपल अगर आपने एजर पे वर्चुअल मशीन बनाया है, वर्चुअल मशीन इज़ द मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ आईएएस सर्विसेज, तो आप क्या करोगे, वर्चुअल मशीन को कनेक्ट करोगे अपने सिस्टम से। हाँ, उसके लिए कनेक्टिविटी सेटअप होती है कि आप अपने सिस्टम से वहाँ पर आप कनेक्ट कर पाओ एजर मशीन से। आरडीपी इज अ टूल, यस आरडीपी इज अ टूल, बट कनेक्टिविटी सेटअप होनी चाहिए, राइट? बिकॉज जब आप ऑफिस में होते हो तो आपका एक नेटवर्क डिफरेंट होता है, राइट? एजर का नेटवर्क डिफरेंट होता है, तो आपको वो कनेक्टिविटी करनी पड़ती है। अभी हम उस कनेक्टिविटी के डिटेल में नहीं जाएंगे, तो इसको सिंपल रखने के लिए, तो जब कनेक्टिविटी सेटअप हो जाती है तो मोस्टली आईटी डिपार्टमेंट होता है जो कनेक्टिविटी सेटअप करता है। ओके, ठीक है, तो वो कनेक्टिविटी सेटअप हो गई या हो गई, तो आप जब आरडीपी करके जो वर्चुअल मशीन आपने क्लाउड पे ली है उसका आईपी डालते हो और उसके अंदर यूजर आईडी पासवर्ड डालते हो, तो इट लेट्स यू गो इन, एंड देन जब आप अंदर चले जा सकते हो तो आप अपना फाइल लेके जा सकते हो डिप्लॉय करने के लिए, अगर आप मैनुअली करते हो। बट अगर आप सीआईसीडी पाइपलाइन से करते हो, तो वो जब पाइपलाइन आप अगर आप टेराफॉर्म से डिप्लॉय करते हो, आप आर्म टेम्पलेट से डिप्लॉय करते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, आपके पाइपलाइन किस चीज़ की बनी है, आई एम टॉकिंग अबाउट सीआईसीडी पाइपलाइंस। तो जब आप पाइपलाइन से करते हो तो वहाँ पे कनेक्टर्स होते हैं कि आपने वर्चुअल मशीन क्रिएट किया है वहीं से, और आप वर्चुअल मशीन पे कोड डिप्लॉय कर रहे हो, वर्चुअल मशीन पे कोड डिप्लॉय कर रहे हो। अगर वर्चुअल मशीन विंडोज़ हुई तो उस पे कोड, अगर आपका वेब एप्लीकेशन है तो वो जाता है आईएएस के अंदर, मोस्टली आईएएस के अंदर, और वो अगर .NET कोड है तो आईएएस में जाएगा, अगर वो जावा कोड है तो उसके लिए अपाचे सर्वर चाहिए आपको, अपाचे टॉमकैट, और अगर आजकल तो .NET कोर चला है तो उसके लिए आपको आईएएस भी नहीं चाहिए, वो तो सेल्फ होस्टिंग से चलता है कैस्ट्रल सर्वर, ठीक है, तो उसके लिए आपको आईएएस भी नहीं चाहिए, राइट? तो आपने जो क्वेश्चन पूछा उसके लिए है कि इस तरीके से कोड जाता है कि आपके ऑन प्रमाइस पे तो होगा, बट किसी रिपोजिटरी में होगा, तो आप रिपोजिटरी की पाइपलाइन बोलोगे वो ऑन प्रमाइस वाले मशीन पे ना डिप्लॉय कर रहा था, तो पीएम में डिप्लॉय करें, अच्छा, है ना, उसके लिए आपको उसमें चेंज करना पड़ेगा। और अगर आप मैनुअल करते हो तो आपको मैनुअली वो फाइल शिफ्ट करनी पड़ेगी वीएम तक, वीएम के अंदर जाओ आप, वहाँ पे जाके आप जो भी आपका सर्वर है अपाचे टॉमकैट है या फिर आईआईएस है, तो आप उसके लिए उसको होस्ट कर दो वहाँ पे। ओके, ठीक ठीक है, अभी हम होस्टिंग की कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जाएंगे, वो इसका पार्ट नहीं है इस टॉपिक का। तो अभी तक इतना मैं समझ पाया हूँ, जस्ट टू समराइज, कि जो आईएएस है, आईएएस सॉरी, तो इसकी जो हम ये सर्विस यूज करते हैं, तो जब ऑन प्रेमिसेस वाला कॉन्फ़िगरेशन और कोड जब हम क्लाउड में मूव कर देंगे, तो मतलब यूजर को कोई ऐसा फील नहीं आएगा कि ये डिफरेंट है हमारे ऑन प्रेमिसेस से, इट विल गिव यू अ फील एज इफ यू आर वर्किंग ऑन प्रेमिसेस सिस्टम, राइट? इट्स जस्ट दैट योर मशीन्स आर ऑन क्लाउड, यस, राइट? फर्क इस नहीं आएगा IaaS में कि आपको कुछ आप नया नहीं कर रहे हो, बट आपने जो कैपेक्स और ओपेक्स कॉस्ट था, मींस कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड ऑपरेशन एक्सपेंडिचर कॉस्ट, वो आपने ज़्यादा मैनेज कर लिया, ठीक है, वो इजीली मैनेज कर लिया आपने क्लाउड पे लेके जाके। okay. अभी बिकॉज आपके आपको टेंशन नहीं लेना मशीन का ना, राइट? कि मेरे को कहाँ से प्रोक्योर करना रैम, कहाँ से प्रोक्योर करना है सीपीयू, मदरबोर्ड खराब हो गया तो कहाँ से लेके आना, आपको टेंशन ही नहीं है, राइट? बट फॉर श्योर जब आप क्लाउड पे जाते हो, जब आप इतना सर्विसेज लेते हो, तो क्लाउड का कॉस्ट तो आता है, तो आपको ये बैलेंस आउट करना है। एंड देन इफ़ यू कोई भी अगर आर्किटेक्ट इसका आर्किटेक्चर सही से बनाता है तो काफ़ी कॉस्ट सेव हो सकती है। जैसे वीएम्स अगर हर समय नहीं चलाना है उनको, हर समय नहीं जरूरत है उनकी 24 आवर्स, तो जो ऑफ आवर्स है उसमें आप वीएम को ऑफ कर दो, आप उसको प्रोग्राम कर सकते हो कि इससे इतने से इतने बीच में ऑफ कर दो, अगर वीएम शटडाउन है तो वो कॉस्ट नहीं लेती है। तो यहाँ पर एक बेनिफिट भी है काइंड ऑफ आईएएस करने का, क्योंकि बहुत सारे बेनिफिट आउट ऑफ द बॉक्स आपको काफी ऑटोमेशन भी मिलता है, राइट? मशीन्स के साथ मिलता है, कॉन्फ़िगरेशन मिलता है, विच आप जो कि आप एश्योर के पोर्टल से आप चेंज सब पूरा प्ले कर सकते हो, यू कैन हैंडल इट, और आप पाइपलाइन से भी कर सकते हो, राइट? टेराफॉर्म, आर्म टेम्पलेट, बाइसेप, कुछ भी आप यूज करते हो। तो ये क्लाउड पे लेके जाने का बेस्ट पार्ट यही है कि आप टेंशन फ्री हो। अगर आपके आर्किटेक्ट ने सही से आर्किटेक्चर बनाया है और सही से टेक्नोलॉजी का यूज़ किया है, तो आपका नुकसान नहीं होगा। बट एट द सेम टाइम
अगर इसको सही से आर्किटेक्ट नहीं किया गया तो बहुत लॉस हो जाएगा, राइट उस केस में बहुत सारा मनी लॉस हो सकता है। तो ये आर्किटेक्ट के ऊपर है कि वो क्या करता है, कैसे डिज़ाइन करता है पूरा आर्किटेक्चर, कम्युनिकेशन कैसे डिज़ाइन होता है, ठीक है ना। बहुत सारे लोग सोचेंगे कि नहीं, कुछ क्वेश्चन पूछना। हाँ, मेरा दूसरा क्वेश्चन था कि थोड़ा सा और डिटेल में जानेंगे। तो हमने वर्चुअल मशीन जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होती है IaaS में एज अ सर्विस, दूसरी और कुछ ऑफरिंग्स के बारे में बात करेंगे IaaS की। हाँ। कि और क्या क्या ऑफरिंग्स हैं IaaS में, हम आएंगे ऑफरिंग्स पे। मैं okay. थोड़े से और फ़ायदे बताना चाहता हूँ। ठीक है जैसे हमने बात किया कि कैपिटल और कैपेक्स और ओपेक्स आप अच्छा मैनेज कर पाते हो। ऑन द सिमिलर लाइन्स आप देख सकते हो कि आपको एनी टाइम इफ़ यू वांट यू कैन गेट वेरी हाई कंप्यूटिंग पावर लाइक इन मिनट्स। यू डोंट हैव टू वेट फॉर योर आईटी गाय टू प्लेस एन ऑर्डर टू बाय अ रैम और यू नो और लेटेस्ट मदरबोर्ड और हाई कैपेसिटी सीपीयू। यू आर नॉट वेटिंग फॉर दैट। बस आपको वेट करना है कि आपका आर्किटेक्ट जाएगा या आईटी डिपार्टमेंट जाएगा, आज पोर्टल पर जाएगा, वो स्पेसिफिक मशीन ढूंढेगा, सेलेक्ट करेगा एंड चला देगा। दे से दैट यू आर जस्ट वन क्लिक अवे फ्रॉम द कंप्यूट पावर, यू नो। हाँ, एक्चुअली वन क्लिक तो नहीं है, अ फ्यू क्लिक्स, बट दे आर जस्ट यू आर जस्ट क्लिक्स अवे। इतना सोचिए आप बस। ठीक है, प्लस अभी जैसे IaaS सर्विसेज हैं उसमें अभी जब क्लाउड जब इतना सर्विस देता है तो क्लाउड का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आपको वो सारी सर्विसेज प्रोवाइड करें जिससे आप अपने डेटा को अपनी एप्लीकेशन को सिक्योर रख सकें। बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है क्लाउड जिससे आप अपनी सब कुछ, बिकॉज नाउ अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया ना, बिकॉज आपका जो क्लाउड पे आप जब लेके जाते हो तो इट्स देयर इन समवन एल्स मशीन, है ना, समवन एल्स क्लाउड, समवन एल्स एरिया। तो आप जब उससे कनेक्ट करते हो तो इंटरनेट से जाता है रिक्वेस्ट, अब रिक्वेस्ट इंटरनेट से जाना है या फिर इंटरनेट के ऊपर एक प्राइवेट टनल से जाना है या फिर एक्सप्रेस राउट से जाना है, इट डिपेंड्स ऑन अस, राइट। ऐसे प्रोवाइड करता है कि आप देखिए इस सिनेरियो में आप ये यूज़ कर सकते हो, इस स्पेसिफिक सिनेरियो में आप ये यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे आपको ये बेस्ट प्रैक्टिस में आपको ये चाहिए, अगर आप इसको डिफरेंट तरीके से यूज़ करना चाहते हो तो आपको ये चाहिए बेस्ट प्रैक्टिस में, ऐसे सब कुछ बताता है, सब कुछ है। और ये इंटरेस्टिंग कर देता है Azure के लिए। मेरे को क्लाउड इसलिए इंटरेस्टिंग लगता है कि बहुत कुछ हम सीख जाते हैं, पढ़ते पढ़ते मज़ा आने लगता है, यार ये कर सकते क्या, ये कर सकते क्या, वो देख सकते क्या, इट्स लाइक दैट। तो एक बार अगर अच्छे से क्लाउड का सेटअप हुआ है एक कंपनी के लिए, प्रोडक्ट के लिए, और आर्किटेक्ट ने आर्किटेक्चर सही से बनाया है, सिक्योरिटी इन प्लेस है, तो आप एज अ नॉर्मल यूज़र आप नहीं छू सकते हो एप्लीकेशन को। तो इट्स लाइक जैसे बाहर का कोई यूज़र कंपनी का कोई रिसोर्स एक्सेस नहीं कर सकता है, सेम चीज़ क्लाउड के साथ आ जाती है। प्रॉपर नेटवर्किंग होनी चाहिए, प्रॉपर फायरवॉल रूल होने चाहिए, प्रॉपर एनएसजी रूल्स होने चाहिए, यू नो। तो ये सब आप प्रॉपरली लगाते हो तो आपको टेंशन नहीं है, यू जस्ट एंजॉय, यू एंजॉय दैट अपना जो कैपेक्स है और जो ओपेक्स है उसका जो मेंटेनेंस है आपके दिमाग में नहीं है, आपके हेड आपका हेडेक नहीं है, वो तो आपने क्लाउड पर डाल दिया। ठीक है।